सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दमदार और धाकड़ अभिनेता हैं। उनकी फिल्में बॉलीवुड में उनके नाम से ही चल जाया करती हैं और सुपर डुपर हिट हो जाया करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग के अंदाज से लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। जहाँ सनी देओल के विवादों के किस्सों से फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है, वहीं उनके दोस्तों से भी फिल्म इंडस्ट्री भरी पड़ी है। जहां सनी देओल का विवादों से एक लंबा रिश्ता रहा है, वहीं सनी देओल ने उभरते हुए सितारों को अपने कंधे पर उठाकर उन्हें आसमान तक पहुंचाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें सनी देओल ने एक दोस्त की हर तरह से मदद की। इस दोस्त के बारे में आपको बताएं तो आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि यह दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। सनी देओल के इस दोस्त का नाम है इंदर कुमार। हालांकि 43 साल की उम्र में इंदर कुमार को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया था, पर इंदर कुमार को सनी देओल ने लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने की कोशिश की। इंदर कुमार ने साल 1996 की फिल्म मासूम से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्हें काम मिला, इसके पीछे भी सनी देओल का एक बड़ा हाथ था, जिसके बाद उन्होंने 21 साल के अपने करियर में 20 से अधिक फिल्में की। इस होनहार एक्टर ने 90 के दशक में खिलाड़ियों का खिलाड़ी, घूंघट, कहीं प्यार हो न जाए, माँ तुझे सलाम जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी अभिनय किया है। सन 2000 में फिल्म मसीहा के सेट पर अपना स्टंट करते हुए एक हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उन्हें करीब 5 साल बेड रेस्ट पर रहना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर सनी देओल की ओर मुख रुख करते हुए सनी देओल से काम के लिए सिफारिश की, जिस पर सनी देओल ने उन्हें कई तरीके से मदद भी की। सनी देओल की सिफारिश के बाद जब उन्हें सलमान खान के दोस्त का किरदार वांटेड फिल्म में मिल गया, तो उन्होंने सनी देओल का कई बार शुक्रिया अदा भी किया था। सलमान खान की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसमें उनका किरदार भी काफ़ी सराहनीय था। इससे पता चलता है कि सनी देओल जब किसी से दुश्मनी करते हैं तो उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं, पर अगर किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो उसे भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। सनी देओल की दोस्ती के चर्चे आपने अक्सर बॉलीवुड में सुने होंगे। सनी देओल का यह किस्सा आपको कैसा लगा? लिख भेजें हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।